हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। इस टॉपिक में आज हम क्लियर करने वाले हैं व्हाट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की, डिफरेंट टाइप्स माइक्रोस्कोप के हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जो अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप को, उनको हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें माइक्रोस, वो माइक्रोस जो होता है वो होता है स्मॉल, छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए, और स्कोपेन होता है टू लुक टू सी। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि उसके डेफिनेशन क्या है। तो माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम नेक्ड आइज से डायरेक्ट नहीं देख सकते, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो है माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेशन, व्हाट इज माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप क्या है। वैसे तो मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया है कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या है, और माइक्रोस्कोप किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्मॉल छोटा और टू सी देखने के लिए, जो छोटी चीज है उनको देखने के लिए, ऑब्जेक्ट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं वो है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो वैसे तो मार्केट में अगर आपको देखने को मिलेंगे तो बहुत सारे माइक्रोस्कोप देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, एक्सरे माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप आपको देखने को मिलेंगे। तो आज अब जिस टॉपिक में जो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ वो है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये आज हम ये माइक्रोस्कोप यहाँ क्लियर करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से पार्ट्स हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। तो पहला पार्ट्स है वो है आपका आईपीस। ये आईपीस नोज पीस, जो क्या होता है कि नोज पीस, नोज के पास में आई, आईपीस जो आई के पास में होता है, तो ये होता है आईपीस। ये हमेशा 10x पावर या 15x पावर का बना होता है, ठीक है। उससे थोड़ा और नीचे अगर आएंगे तो उसके बाद में देखेंगे कि ये आप जो देख रहे हो ये है, या फिर इधर अगर देखोगे आप तो ये होती है, ये आम होती है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम देखें कि माइक्रोस्कोप के पार्ट्स अलग अलग कौन से हैं, ये अभी आपने क्लियर किया कि आईपीस है, इससे थोड़ा और नीचे आओगे तो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसमें 4x पावर, 10x पावर, 40x पावर, 100x पावर। इससे क्या होता है कि ये जो आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कितने टाइम्स उनको बड़ा आप देख सकते हो, कि आपने एक जो आपके पास में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स या 4000 टाइम्स, इतने टाइम्स अगर बड़ा अगर उनको देखना है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज करते हैं। उससे के बारे में हम पार्ट्स की अगर बात करें तो थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये है मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज क्या होता है कि यहाँ पर हम कोई भी स्लाइड है, कोई भी हमने स्लाइड ली है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पर हम रखेंगे, जो भी स्लाइड है उसको रखा, यहाँ रखने के बाद में उसको एग्जामिन करेंगे। और उसके साथ में ही उसकी बात करें अगर, तो यहाँ अगर आप ये देख रहे हैं तो इसमें क्या है, ये स्लाइड क्लिप, इससे ये स्लाइड होल्डर या स्लाइड क्लिप है जो स्लाइड को होल्ड करके रखती है, स्लाइड को क्लिप करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है वो है ये आपका, देखते हो ये देख रहे हो आप, ये है आपका ये मैकेनिकल स्टेज है, ये इसको कंट्रोल करता है कि अगर आपको ये जो आपकी स्लाइड है इसको आगे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है, तो स्लाइड को कंट्रोल करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए वो हम यूज करते हैं। उसके बाद में आगे अगर आते हैं हम तो ये है कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आप माइक्रोस्कोप को जब फोकस करोगे तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक कोर्स एडजस्टमेंट और दूसरा फाइन एडजस्टमेंट। तो जो कोर्स एडजस्टमेंट होता है उससे क्या होता है कि जो आपकी जो स्लाइड है उसको जल्दी से फास्ट जितना हो सके कि जल्दी से हम उस तक पहुंच जाएं, स्लाइड तक हम करें, उसको फोकस करें। और उसके बाद में अगर एक बार वो फोकस हो गई है तो फोकस होने के बाद में क्या करते हैं, जो फाइन एडजस्टमेंट है उससे हम उसको और अच्छे से फाइन करना,
कि क्या कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई भी चीज़ को फाइंड किया या एडजस्ट किया, तो एडजस्ट करने के बाद में हम बोलते हैं कि नहीं नहीं एक बार और थोड़ा सा और अच्छे से करना है, तो वो फाइन करने के लिए उसी चीज़ को फाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम फाइन एडजस्टमेंट का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि इधर आप देख रहे हो जो माइक्रोस्कोप में ये नीचे है, ये है आपका डायफ्राम, ये लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये लाइट को कंट्रोल करेगा। फिर अगर दूसरी तरफ नीचे अगर आते हैं तो ये है आपका कंडेंसर, ये ऊपर वाला था वो डायफ्राम था, थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये है कंडेंसर है और ये लाइट को कंट्रोल करता है कि स्पेसिमेन के पास में कितनी लाइट जाएगी, आपको कितनी लाइट जो स्पेसिमेन आपने रखा है, जो आपके पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या आपके पास जो स्लाइड है, जो स्लाइड पे जो स्पेसिमेन है आपको, कि उसके पास में कितना आपको लाइट चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। अब हम देखेंगे थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो ये है इल्यूमिनेटर, ये इल्यूमिनेटर होता है, लाइट सोर्स होता है, यहाँ से आप क्या करेंगे लाइट को, यहाँ से आपको लाइट मिलेगी, आप जो स्पेसिमेन है उस पर लाइट जो जा रही है कंडेंसर से होते हुए डायफ्राम से जाते हुए स्पेसिमेन पे जो लाइट जा रही है उसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इल्यूमिनेटर से आपको लाइट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर बेस की अगर बात करें तो ये होता है माइक्रोस्कोप का बेस, ठीक है, ये होता है आपका माइक्रोस्कोप का बेस होता है। और माइक्रोस्कोप के बेस के साथ ही एक दो चीज़ें और होती हैं जिसमें आप ऑन ऑफ का जो पावर का जो बटन है वो देख रहे हैं, या आपके पास में जो लाइट है उसको कंट्रोल करने के लिए कि अगर आपको हाई लाइट करनी है डिम लाइट करनी है तो उसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो था माइक्रोस्कोप। इस जो टॉपिक में हमने क्लियर किया डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, व्हाट इज माइक्रोस्कोप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। मोशन, आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, गेन करने के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। कीप स्माइलिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।